उपस्थित मान्यवर महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्प विभागाने सिडकोला जी जबाबदारी दिली ती सिडकोने पार पाडली व त्याबद्दल मी शासनाचे आभारी आहे। हा जो हा प्रकल्प प्रकल्पाची सुरुवात 2010 मध्ये सुरुवात करण्यात आली होती या किया जा रहा है तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे, आपकी बात कुछ निराली है। और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं। ये बता रहे हैं आपको वंडर कंस्ट्रक्शन की जानिब से श्री 22 से शहरिया ने औरंगाबाद की जानिब से मिनिस्टर जनाब अब्दुल सत्तार साहब का यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है। उनको भी तकलीफ हुई, मैं उनका भी थोड़ा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सॉरी या उनकी माफी मांगूंगा कि यहाँ कम जगहों के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो लोग आए हैं उन लोगों को सबको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी तकलीफ हुई लेकिन नाश्ता है नाश्ता नीचे कैंटीन है, कैंटीन भी अच्छी बनाई गई है। मतलब हमारा मस्जिद से लेके तो कैंटीन तक लेडीज के लिए भी सेपरेट वहां डिवीजन किया गया है। जो भी चीजें होंगी वो हर ये कंटिन्यू चलने वाली चीज है, ये कोई हमारे पास मेंटेनेंस का अलग दिया है। यहाँ के हाफिज आलिम जो रहेंगे 4 लोग उनका अलग रहेगा, यहाँ का मैनेजर अलग रहेगा अपना, वहां मेरे हाथ से उद्घाटन मैंने मेरे 42 साल में 43 साल में पहला उद्घाटन देखा कि उद्घाटक कोई कड़ी पार कर उनका फोटो काटना है, तो फोटो काटने की भी सिस्टम कुछ बना लो। इम्तियाज जलील साहब तुम्हारे लोगों को हमारे लोगों को अपने लोगों को तीनों को लगेगा समझ जाएगी, तो इनको बताना पड़ेगा कि नहीं हमारे पास जो नाना जैसे एक सीनियर लीडर है प्रदीप भैया होंगे राजपूत होंगे मैं और इम्तियाज जलील साहब हमको कितने भी धक्के दिए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत धक्के खावा के यहाँ लगा। लेकिन ये भी बदलना पड़ेंगे ट्रेंड है, अपने पास जो मेहमान आते हैं उनकी इज्जत करना, उनको सबको मान सम्मान देना ताकि उन्होंने बोलना चाहिए कि हम यहाँ हज हाउस के प्रोग्राम को गए वहाँ के लोगों में क्या अदब और तहजीब है। ये 99% लोग अच्छे है, इतने बोला मैंने 99% अच्छे है पर वो 1 पॉइंट जो है उनके मोबाइल दे उनको जेल में डाल देंगे। ये खासदार साहब क्या बोले मुझे, क्या बोले जितने लोगों ने आंदोलन करे उनके जितने केसेस है वो वापस ले लो, ले लेंगे और क्या करेंगे दूसरा क्या कर सकते। अरे जब 40 साल अभी बताएं आप नहीं समझे मामू बैठो मैं बताता हूँ, जब नाना जैसे सीनियर नाना हरिभो बागड़े साहब ने बताया कि प्रेम जबकि राष्ट्रपति जी उन्होंने जो किए जिसको 40 साल लगे तुमने 7 दिन के अंदर ही घर कदम, तो ये जो है 40 साल लगे उन्होंने बोले मैंने बोला क्या, तो मैं नाना को बोला नाना ऐसा बोलो 40 साल पहले यही कुदाली मारे गए यही टिकास मारे गए यही ना भूमि पूजन हुआ लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन आपके वजह से हो गया। अब मैं एक जीआर निकलता, क्या नाम है आपका, ये इम्तियाज जलील ने इतने लोगों को कान में मंत्र दे के रखा है कि हर आदमी वहाँ फोटो कार्ड में वही बोला धक्के क्यों मार रहा, यही तो वो पुलिस कमिश्नर बोला ये कौन है, बोला फोटो वाला हमारे
पुलिस कमिश्नर। लेकिन आपने अच्छा काम करे, आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हंसी मजाक भी करना चाहिए, तो मैंने उधार बेचा नहीं हो ना, कहते हैं क्योंकि अपना सब रिमोट कंट्रोल ऊपर है, नीचे मैंने कितना भी बोला ना, अल्लाह मैंने नहीं बोला तो क्या होगा, अल्लाह मैंने हाँ बोला तो मैं हथियार लूटने वाला यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो और जब पर इनके खिलाफ मत खड़ो इतने तो लोग सब तो लड़ना नहीं आपके खिलाफ ये सारी जो चीजें है, ये सब करने से पहले कुछ चीजें ऐसे रहती है कि अमन और शांति भी रखो अल्लाह ताला से। हम जो जो अभी कई लोग है यहाँ वो दिखते नहीं, लेकिन जो मांगते रात में वो उनका ही काम हो जाता, बहुत लोग हैं कि ताजुद की नमाज के बाद से लेकर जो शुरू होते हैं वो तो बस उनकी दुआओं का असर है, और वो नहीं दिखने वाली है। इसलिए अपन सिर्फ पुजारी दिखते हैं, लीडर दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वहाँ जो तारत खाने वजू खाने वहाँ से साफ सफाई करके कब निकलते दिखते भी नहीं, बनकर के जाते हैं। रेवेन्यू कमिश्नर नहीं आए, लेकिन उनके कलेक्टर आए थे। हमारे पास क्या माइनॉरिटी है ना यार, सोच का अंदाज माइनॉरिटी ऐसे रहता है, लेकिन आपको उसको मेजोरिटी में बनाना है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, इस शहर के अंदर बड़ा पॉपुलेशन है कमिश्नर का, मुझे तो आपको बोलना था लेकिन आप गैर हजार थे, गैर हजार वालों को बोलता नहीं मैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल हमको बनाना है। उसके साथ आपको और एक बात करना है, मैं इधर गया था वो अग्रवाल समाज मारवाड़ी समाज का कौन था देवस्थान है गुरु गणेश, यस, वहां कैसी है कि वहां जो गाय है वहां की वो जब एक्सपायर हो गई तो उसको गाड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। मैं कलेक्टर को प्रपोजल दिया है, लेकिन चलाने का आपको हमी पत्र देना होगा ताकि वो विद्युत गाय नहीं, वो एक प्रपोजल करना है, क्योंकि मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों की भी आत्मा और परमात्मा उसको जुड़ी है। गाय होगा जानवर होगा, उसको बाहर डालने के बाद में उसकी बहुत बेअदबी होती है, जानवर खाए तक इतना फेंके तक उसकी बांस उसकी बोए, तो उसके लिए वहां हम जगह भी देंगे आपको, आपकी भी होंगी मेरे अंदाज है। आप देखिए आप गए उधर तो गुरु 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 गणेश नगर में क्या उसका सख्त मकबरे के बाजू में, हाँ, तो वहां पहाड़ सिंहपुरा, तो वहां अपनों को दोनों को काम करना है। मैं वहां जाके आया, वहां सारे मारवाड़ी समाज के लोगों ने मुझे निवेदन दिया, उसको जितने पैसे लगेंगे हम देंगे, लेकिन चलाने का काम आपको प्रस्ताव मिल जाएगा। सर कमिश्नर साहब एक आठ दिन में अगले जुम्मे ऐसा है, जुम्मे को जुम्मा ये भी बहुत बड़ी बात है, और भी हमारे अलग अलग तरीके से हमें करने को मिल सकता है। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आपके बाद अपने विचार रखने के लिए आएंगे। मैं आप सबका महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ कमेटी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।